इसी के साथ इंदौर स्वच्छता में पांचवी बार बाजी मारने के औपचारिक घोषणा के बीच क्या कहना है इंदौरी सांसद शंकर लालवानी का, आइए देखते हैं। तो एक बार फिर राष्ट्रीय गौरव हाथ लगा है इंदौर के, एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चार नहीं बल्कि अब लगाया है स्वच्छता का पंच। जी हां, स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में इंदौर फिर से अव्वल आकर के अपना खिताब अपने पास रखा है, बाजी मारी है इंदौर ने। हमारे बीच मौजूद हैं इंदौर शहर के ऊर्जावान सांसद शंकर लालवानी। सर, कैसे देखते हैं, बहुत ही हर्ष का विषय है इंदौर के नागरिक के लिए भी, इंदौर के प्रत्येक जनप्रतिनिधियों के लिए भी और उन तमाम कर्मचारियों के लिए जो कोविड का जो एक दौर, अपने दर्शकों को बता दें कि कोरोना का जो सेकेंड स्ट्रेन रहा इतना घातक था कि लाशों का अंबार था, लोग डर रहे थे घरों में से निकलने के लिए, बावजूद उसके हमारे इंदौर नगर निगम के कर्मचारी लगातार अपनी कर्मठता का परिचय दे रहे थे, दिन रात मदद कर रहे थे, सेवाओं में जुटे हुए थे। साथ ही शहर की जो स्वच्छता व्यवस्था थी, सफाई व्यवस्था थी, वह दुरुस्त उसी प्रकार से चल रही थी जैसे अन्य दिनों में चलती रहती है। कैसे देखते हैं सांसद जी? देखिए, परिणाम तो कल आने वाले हैं, पर जिस प्रकार से सबने मिलके मेहनत की है, मुझे पूरा भरोसा है कि इंदौर फिर बाजी मारेगा। और अगर परिणाम हमारे पक्ष में आते हैं तो मुझे लगता है सबसे बड़ा अगर योगदान किसी का है तो शहर की जनता का है, उन माता बहनों का है जिन्होंने घरों में गीला कचरा, सूखा कचरा और अन्य प्रकार के जो कचरे अलग अलग डस्टबिन में डालने के लिए आह्वान किया गया था, उन्होंने उसका साथ दिया। धन्यवाद उनका, हमारे छोटे छोटे भैया बहनों का जिन्होंने परिवार में प्रेरणा दी कि स्वच्छता बनाए रखो। धन्यवाद हमारे सभी दुकानदारों का कि जब दुकान पे 10-11 बजे भी पहुँचते हैं तो सफाई, जब झाड़ू लगाते तो कचरा निकाल के अपने डस्टबिन में डालते हैं। धन्यवाद हमारे उद्योगपतियों का जिन्होंने अपने इंडस्ट्री का पूरा कचरा बाहर में फेंकते हुए उन्होंने अपने ही डंपिंग स्टेशन छोटे बनाए और उसके माध्यम से वो ट्रेंचिंग ग्राउंड तक पहुंचाने का प्रयास। धन्यवाद उन होटल वालों का, उन हॉस्पिटलों का जिन्होंने अपना वेस्ट अलग से ट्रांसपोर्टेशन किया और पहुँचाया। और सबसे ज़्यादा धन्यवाद हमारे खाने पीने की जो वस्तुएँ हैं, चाहे सराफा हो, अपन दुकान हो, उन्होंने कितने लोग भी आए, उन्होंने सबको प्रयास किया कि डस्टबिन में कचरा डालें। यहाँ तक कि छोटे छोटे हमारे जो टैक्सी ड्राइवर हैं, हमारे कार के जो ड्राइवर हैं या चालक हैं, वो अपनी गाड़ी में छोटे छोटे डस्टबिन रखते हैं, उसमें कचरा डालते हैं। मुझे लगता है ये सब और तो और मैंने यहाँ तक देखा कि हमारे जो ठेले वाले, हमारे छोटे घुमटी उधारक हैं, वो भी अपना कचरा बाहर सड़क पर नहीं फेंक रहे। तो ये जो जनता ने जो अभियान में साथ दिया, तो वास्तव में ये जनता का अभियान में साथ देने के कारण ही हम इस स्थिति में पहुंच रहे हैं। मुझे लगता है माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया था उसको इंदौर में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सभी हमारे जनप्रतिनिधि, विधायक, पार्षद और हमारे सभी प्रशासन के अधिकारी, नगर निगम के अधिकारी सब ने मिल के जब काम किया तभी इस मुकाम तक पहुंचने का हम प्रयास कर रहे हैं। मोदी जी ने तो समूचे देश के लिए स्वच्छता का मुहिम छेड़ा था, कहीं ना कहीं आह्वान किया था स्वच्छता को लेकर के, परंतु कहीं ना कहीं हमने इंदौर में देखा कि उसे मूल मंत्र से जोड़ लिया गया, स्वच्छता को एक दैनिक जीवन से जोड़ लिया गया। इतना उत्साह, इतना जोश, शायद ही, खैर आप बहुत घूमते भी हैं चूँचू सांसद होने के नाते, अलग अलग शहरों में जाना, अलग अलग जिलों में जाना, अलग अलग राज्यों में जाते हैं आप, तो वहाँ की सफाई व्यवस्था, यहाँ की सफाई व्यवस्था, वहाँ की जनता, यहाँ की जनता, वहाँ के अधिकारी, यहाँ के अधिकारी, कहीं ना कहीं उत्साह में काफ़ी अंतर आप स्वयं भी महसूस करते होंगे। बहुत अंतर है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया तो हमारी शहर की जनता ने उसे आता दिया। जब दूसरे शहरों में, हाल ही में मैं जयपुर गया, आगरा गया, समय समय पर शहरी विकास मंत्रालय इसी विभाग के मंत्रालय में होने का, अलग अलग शहरों में स्मार्ट सिटी में घूमने का मौका मिला, स्वच्छता का अभियान देखने का मौका मिला। पर जहाँ भी जाता हूँ सब लोग यही कहते हैं, सब अधिकारी हो, जनप्रतिनिधि वहाँ के, कि इंदौर स्वच्छता में नंबर वन हमेशा कहते आ रहा है। जब उनको हम बताते हैं कि इस प्रकार का अभियान, जनता का साथ मिला, उनको बहुत आश्चर्य लगता है और वो कहते हैं हम इंदौर आके देखेंगे। हम अब स्वच्छता में और आगे बढ़ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे नवाचार हमने किए हैं कि स्वच्छता से गीले कचरे से CNG बने, ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है। तो हम अब हर जो स्वच्छता कदम आता है उससे हम आगे बढ़ रहे हैं, अगली रैंकिंग के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो ये एक मुझे लगता है इंदौर शहर का गौरव है, माँ अहिल्या का गौरव है कि सब मिलके जब इसमें साथ देते हैं तब ये संभव होता है। सांसद जी, एक बहुत बड़ा विषय और एक अंतिम प्रश्न है कि अस्थायी कर्मचारी जो है बड़ी कर्मठता से काम करता है इंदौर नगर निगम में,
नंबर वन भी हम आ रहे हैं, काम भी बहुत अच्छे से हो रहा है, इंदौर नगर निगम का नाम भी बहुत हो रहा है, परंतु कहीं ना कहीं उनकी एक आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करने में आज भी जो इंदौर के जनप्रतिनिधि हैं या प्रदेश के मुखिया हैं, कहीं ना कहीं हम नाकामयाब हैं, उन्हें वो मेहनताना नहीं हम दे पा रहे हैं जिसके वे हकदार हैं। देखिए, पिछले दिनों में जब ये पुरस्कार मिला था उस समय भी उनको इनाम के रूप में राशि दी गई थी, और मुझे लगता है कि हम प्रयास करेंगे कि उनको और ज़्यादा हो, वो प्रसन्न रहें, खुश रहें, अच्छा काम करें, हम सब का प्रयास रहेगा। जो मासिक वेतन सांसद जी होता है, मतलब मान लीजिए कि एक इनाम की राशि मिलना और एक मंथली इंक्रीमेंट अगर कुछ ऐसा होता तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती एक सांसद के तौर पे, कि मस्टर कर्मियों के लिए बोला जा सकता है कि बहुत बड़ी सौगात आपके माध्यम से मिलती। देखिए, हम प्रयास करेंगे और अल्टीमेटली जो उनको वेतन देना है कहीं ना कहीं शहर की जनता पर बोझ आएगा, तो हम शहर के सभी जनप्रतिनिधियों से और उनके कर्मचारी नेताओं से मिलकर निर्णय लेंगे। तो यह थी इंदौर के सांसद शंकर ललवानी से हमारी विशेष चर्चा। बने रहिए रेड 9 टीवी के साथ, मुझे दीजिए इजाजत।